प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। इसके अनुसार मैं आज के निर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष जो हमारे प्रिय मित्र के सुपुत्र जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनका मैं सम्मान करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि संसदीय परंपराओं के अनुसार, हालांकि मैं कहा था बजट सदन में बजट पेश हुआ था कि ये लोला है, माननीय उपाध्यक्ष जी जब आज आपको यहाँ बैठा दिया गया, वहां नहीं बैठाया गया तो हमको नहीं लगता है कि आप ऊपर कभी बैठ पाएंगे, कहेंगे तो सदन ही नहीं होगा, एक दिन होगा तो इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि माननीय अध्यक्ष जी का बैठना अनिवार्य इस दिन रहेगा, तो वही लोला है आपके लिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने बहुत भाषण दिया, आज भाषण का दिन नहीं है, आज केवल बधाई संदेश देना था, लेकिन अब उनको लगता है कि अगर भाषण नहीं दे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आज तो न उपलब्धि बताने के दिन है न अपने काम बताने के दिन है, आज मैंने उपाध्यक्ष जी को बधाई देने का दिन। माननीय अध्यक्ष जी, जो काम हुआ है मुख्यमंत्री जी ने गिनाया वो तो जनता देखी रही है, नौजवान हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, लेकिन अध्यक्ष जी इस देश में नौजवानों का आइकन एक आदमी है, वो है माननीय अखिलेश यादव जी, पूरा देश के हर जाति धर्म के नौजवान माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, और जो प्रक्रियाएं और जो काम आपने किया उसको जनता पसंद नहीं कर रही है, किया ही नहीं, गिनाते रहे, लेकिन यहां नहीं हुआ, भारत चुनाव आना है, बड़ा आपने गौर से कहा कि हमने इतना वोट से जीता, अध्यक्ष जी हम थे 49 चले गए 3, श्रीमान 2 और बचे हम 46, वोट कितना पाए हैं, तो जीत हमारी है कि जीत उधर की है, कुछ भी हो हम जितना शब्द संख्या में है उससे हमारी संख्या बड़ी है, और यही संकेत है कि 22 के चुनाव में हमारी संख्या बढ़ेगी, हम वहां जाकर के बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहा भी जो सत्र के विषय में, उस सत्र के विषय में लिख करके कुछ नहीं आया था कि किस विषय पर सत्र, वो क्यों विशेष सत्र, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि विशेष सत्र काहे को विशेष सत्र, किसानों के दमन पर महंगाई इस पर चर्चा हो सदन में, सारे सदस्य हिस्सा में, लेकिन ये आप करेंगे नहीं, क्यों कि आपने 4.5 साल में कुछ किया ही नहीं, तो विशेष सत्र बुलाइए और उस पर 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा जितना आपको चाहे सदन चलवाइए, हम लोग तैयार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको आंदोलन।
मैं शिवी एक आर्किटेक्ट मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहां 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ